मालेगांव शहर में जिस तरीके से कोरोना वायरस का तेज़ी से फैल रहा है, 77 पेशेंट कोरोना वायरस के मालेगांव शहर में मिल चुके हैं और एक बहुत बड़ी तादाद मालेगांव शहर की कंफ्यूज है, कसमकस में है कि जिस तरीके से 77 मालेगांव शहर के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, आवाम बहुत कसमकस में है। इसीलिए आवाम की बातों को आज मैंने मालेगांव शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर, मालेगांव शहर के हेल्थ ऑफिसर और जनरल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर डांगे को मैंने आज एक लेटर दिया हूँ और उनसे मैंने सवालात किया हूँ और बाकायदा मैंने रिटर्न में राइटिंग के अंदर रिटर्न के अंदर मैंने उनसे जवाब मांगा हूँ कि मालेगांव शहर में कितने केसेस अभी तक कोरोना वायरस के आए हैं, उसमें से पॉजिटिव कितने हैं, उसमें से नेगेटिव कितने हैं और जो सिंपल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं वो हैदराबाद जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं या पूना जा रहे हैं या धुलिया जा रहे हैं, उसमें से कौन सी लेबोरेटरी के अंदर ये सिंपल जा रहे हैं जहाँ से रिपोर्ट आ रही है, उसका मैंने जवाब मांगा हूँ। और उसी के साथ साथ 77 केस जो मालेगांव शहर के अंदर निकले उनकी लिंक कहाँ से है, जब तक लिंक टच नहीं होती है, जब तक कोरोना वायरस नहीं होता है तो ये 77 लोग की लिंक कहाँ से है उसके सबूत जवाब की शक्ल के अंदर मैंने मांगा हूँ। और मुकम्मल तौर पर क्वारंटाइन कितने लोग हैं मालेगांव शहर के अंदर, 100 है, 200 है, 300 है, उसका जवाब मांगा हूँ। और कितने लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं उसका जवाब मांगा हूँ ताकि ये मुकम्मल जवाब प्रशासन ने अगर मुझको दिया तो मालेगांव शहर की आवाम को मैं बता सकूं कि किसका टचिंग था, सिंपल कहाँ भेजे गए, रिपोर्ट कहाँ से मंगवाई जा रही है, उसमें सच्चाई कितनी है, ये मुकम्मल कितनी डेट हुई है, कितने लोग इंतकाल कर गए, ये मुकम्मल रिपोर्ट मैंने मांगा हूँ ताकि मालेगांव शहर की आवाम के जहनों के अंदर जो बातें गश्त कर रही है, जो कंफ्यूज है, वो आवाम के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। अगर उसके अंदर कोई गलती या शक सुबह हमको नज़र आता है तो उसके बाद आइंदा एक लायमल हमको बनाना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी मेरी अपनी है। इसीलिए आज मैंने एक मेमोरेंडम, एक जवाबी लेटर, मैंने कुछ सवाल किए होंगे मुझे जवाब मिले, मैंने आज दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन, हेल्थ ऑफिसर, जनरल हॉस्पिटल और म्युनिसिपल कमिश्नर ये जवाब देंगे। दूसरी बात, मालेगांव शहर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, वह है अली अकबर हॉस्पिटल। लेकिन जब से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं तो अली अकबर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ वहाँ का निकाल कर वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हमें एतराज़ कोरोना वायरस के पेशेंट को चेकअप करने के लिए नहीं है, लेकिन अली अकबर हॉस्पिटल का स्टाफ को कम करना, डॉक्टर कम करना, वहाँ पर हमारी माँ बहनें सीजर के लिए जाती है, डिलीवरी के लिए जाती है, आम आवाम जो गरीब आवाम है उससे वहाँ पर अली अकबर हॉस्पिटल से फ़ायदा होता है। आज मैंने ये लेटर भी दिया हूँ कि वहाँ का स्टाफ ना कम किया जाए और वहाँ पर अच्छी सहूलत और वहाँ पर दी जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए और जो स्टाफ की ज़रूरत है कोरोना वायरस के पेशेंट को इलाज करने के लिए तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों से, प्राइवेट डॉक्टरों से उसकी खिदमत ली जाए और उनसे इलाज करवाया जाए, ये डिमांड भी मैंने किया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों डिमांड के ऊपर सरकार ने
जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर डांगे ने, मेडिकल ऑफिसर ठाकरे मैडम ने और किशोर बोर्डे कमिश्नर ने जवाब देना चाहिए। और ये दोनों बातों के ऊपर अगर जवाब नहीं मिला तो मैं इनके आला ऑफिसरान जो है नासिक में जो बैठते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट महाराष्ट्र हुकूमत का, मैं उनको लेटर देकर इनके खिलाफ में अपील में जाकर मैं उनसे भी जवाब तलब करूंगा, क्योंकि हमारे शहर के आवाम के अंदर अगर कंफ्यूज आ चुका है उनके जहनों के अंदर, तो मैं समझता हूँ ये क्लियर करना चाहिए। और ये एक मेरी एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से, जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मैंने जवाब मांगा हूँ। मैं सोच रहा था कि कुछ शहर के पॉलिटिकल हजरात इस बात पे तवज्जे देंगे, लेकिन मैं एक जिम्मेदार हूँ और मैंने इस जानिब तवज्जे दिया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जवाब आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी इंशाल्लाह हो जाएगा। सर, आज दो दिनों से कहीं ना कहीं खबरें सुनने में आ रही कि इमीडिएट मदद नहीं मिल पाने की वजह से कई अमवात हो गई, जो 14 तारीख के मैंने एक अखबार के अंदर खबर पढ़ी कि मालेगांव शहर के एमएलए, उन्होंने ये इस बात का ऐलान किया कि कल सुबह से, यानी 15 तारीख की सुबह से मालेगांव शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाएंगे आवाम के लिए। लेकिन आज 19 तारीख है, आज तक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुले, आवाम को गुमराह किया गया। और इन 5 दिनों में कई लोगों मेडिकल सहूलत नहीं मिलने से, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुले रहने से, उनको अच्छी सहूलत नहीं मिलने से, उनका मुकम्मल इलाज नहीं होने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है, आज शहर सवाल पूछ रहा है। ये नुमाइंदे की जिम्मेदारी थी, जिस तरीके से अखबारात के अंदर झूठे बयान सिर्फ छपवा कर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल करवा कर अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो मैं समझता हूँ ये मालेगांव शहर की आवाम के साथ धोखा है। और आज मैंने पंकज आसिया साहब से भी बातचीत की है, जो मालेगांव शहर के हुकूमत की तरफ से जिम्मेदार बनाए गए हैं कोरोना वायरस के सिलसिले में लॉकडाउन की वजह से। मैंने उनसे बात की और मुझको लगता है उन्होंने ये बात कही है कि कल भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मीटिंग हुई थी और आज भी डॉक्टर हजरात की आपस में मीटिंग हुई और ये बात का फैसला हुआ कि कल सुबह से प्राइवेट हॉस्पिटल खुलने जा रहे हैं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हमारे शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल के जो भी मसाइल थे डॉक्टर्स के, या प्राइवेट हॉस्पिटलों के जो भी मसाइल थे, वो आज और कल में तय हुए, हल हुए, जब आज वो कल से खुलने के लिए जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल दोबारा खुल रहे हैं। और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हजरात से मैं अपील करता हूं कि आप लोग हमारे शहर की आवाम की खिदमत कीजिए, आपको आपके हम लोग साथ खड़े हुए हैं, आपको कोई भी ज़रूरत महसूस होगी तो हम आपके साना बसाना खड़े रहेंगे। यह हमारा अपना शहर है, यह हमारे शहर के लोग हैं और इनको बचाना, इनको अच्छी मेडिकल सहूलत देना, ये आपकी भी और हमारी भी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल और बीओएमएस डॉक्टर्स है या जितनी डिस्पेंसरी चलती है मालेगांव शहर में, वो दोबारा आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहेगी।